हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का समय है, आज भी जल्दी उठ गए थे और जिम के लिए निकल गए हैं सुबह सुबह ही, और जिम पहुंच गए हैं। और देखिए जिम बिल्कुल खाली खाली है, दो चार बंदे ही हैं वर्कआउट कर रहे हैं। उसके बाद हम पार्क में आ गए थे, पार्क के राउंड लगाए क्योंकि सुबह सुबह लग जाते हैं, कई बार शाम को नहीं निकलना होता घर से, तो हम लोग सुबह इसका काम निपटा लेते हैं। और देखिए मार्केट आते हुए मेरी फ्रेंड पूछ रही थी सब्जी वगैरह का भाव ताव, और सुबह सुबह मार्केट यहाँ पे अच्छी लगी रहती है, बाद में तो ये लोग अपने ठिकानों पे चले जाते हैं, लेकिन सुबह यहाँ पे जमावट इनका रहता है पूरा। और घर आई तो देखो बच्चों ने फिर से चाय बनवा ली, एक बार तो सुबह पी ली थी इन्होंने, और अभी फिर से समोसा पार्टी चल रही है इनकी। सर्दी का मौसम है, गर्मा गर्म समोसे हो तो और क्या ही बात है जी, और क्या ही बात है दोस्तों। मैंने तो खाया नहीं क्योंकि मैंने फ्रूट और ग्रीन टी ले ली थी, ये लगे हुए हैं सारे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड टीना हो गई है ठीक, और उसका फ़ोन आ गया था कि जल्दी जिम निकलेंगे, और मनीषा की आज है छुट्टी और मुझे जाना है आज नानी के घर, तो इसलिए मैंने खुशी की भी छुट्टी करा दी है क्योंकि हमको जाना, कोई इमरजेंसी है इसलिए साथ ही जाना दोनों को। तो दोस्तों सुबह लंच वगैरह तो मैंने आज कुछ बनाया ही नहीं, और मैं चली गई थी जिम सुबह सुबह ही, और पूजा पाठ भी सब हो गया, साफ़ सफाई बच्चों ने कर दी है पीछे से, और अब मैं आ गई थी जिम से घर और बच्चों के लिए बना दी थी फिर से चाय, एक बार तो ये पी चुके थे मेरे पीछे से, दोबारा से फिर से बना दी। और इसके पापा ले आए थे गर्मा गर्म समोसे, इन्होंने कर ली समोसा पार्टी, और फ्रेश फ्रेश सब्जी भी घर में आ गई है दोस्तों, उसका भी उसको भी ठिकाने लगाना है सब्जी को भी। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके हम निकल जाएंगे इसकी नानी के घर, और मिलते हैं आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। तो चलिए दोस्तों, ताज़ा ताज़ा सब्जी आ गई है घर में, देखिए गाजर फिर से आ गई है फ्रेश फ्रेश एकदम बढ़िया, और बंद गोभी है, दो पीस बंद गोभी के हैं और दो ही हैं फूल गोभी के, बिल्कुल ताज़ा है। और दोस्तों देखिए हरे बैंगन भी आ गए, अब की बार तो हरे बैंगन तो मैंने कभी बनाए ही नहीं, ना कभी खाए, कैसा टेस्ट होता है इनका। और ये है चार पीस शिमला मिर्च भी है, और शिमला मिर्च तो वैसे हम सब्जी कम बनाते हैं क्योंकि ये रेसिपी में ज़्यादा यूज़ हो जाती है, आजकल रेसिपी तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये है कि बच्चे पास्ता में वैसे किसी चीज़ में भी डाल लेते हैं, मेरे पहले भी रखी हुई है। और देखिए दोस्तों प्याज भी आ गई है, आलू भी आ गए हैं, और ये देखिए ये मेरा फेवरेट हरा धनिया, इसके बगैर तो मुझे सब अधूरा ही लगता है। बच्चे तो एक भी पसंद नहीं करते, हस्बैंड भी नहीं पसंद करते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इनको खिलाती हूँ ज़रूर, क्योंकि ससुराल जाने के बाद तो डालना ही पड़ेगा, तो चलिए खाने की आदत डाल लेनी चाहिए बच्चों को। और देखिए दोस्तों शाम के बजे हैं 6, हम लोग आ गए थे नानी के घर से 5:30 बजे के करीब, और बच्चे ही आते देखो कैसे रजाई में घुस गए, कंबलों में घुस गए हैं, और सबको लग रही है ठंड क्योंकि हम गए थे बस से, और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा तो अब लगने लगी है बसों में भी, आ गए थे वहाँ से। तो अभी खाना पीना बनाएंगे, पहले थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद खाने पीने के बारे में सोचेंगे क्या बनाना क्या नहीं। सुबह तो हम लोगों ने कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाई नहीं थी क्योंकि इसकी नानी के यहीं खा लिया था समोसा पार्टी करने के बाद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे बाद में, देखते हैं क्या बनेगा आज क्या नहीं। और देखिए दोस्तों ये आ गई है किचन में, अभी बनाएंगी मंचूरियन, साथ ही में बना रही है पास्ता, और साथ ही बनेगी चाय। मैं तो लेटी हुई थी लेकिन बच्चे उठ के लग गए हैं किचन में कि आज खाएंगे अपना मनपसंद, और ये बना रही है अभी पास्ता कुकर वाला जो झटपट बन जाता है फटाफट से। टमाटर प्याज भून लिए इसमें, अब बेसिक से मसाले डाल देंगे इसके अंदर, और ये डाल दिया है 3 कटोरी पास्ता, और डाल देंगे पानी और लगा लेंगे 2-3 सीटियाँ। और यहाँ पे मंचूरियन की भी तैयारी हो रही है दोस्तों, साथ ही साथ सब्जियाँ इन्होंने चॉप कर ली हैं चॉपर में, और उनके बाउल बना के तल दिए हैं, और यहाँ पे चाय भी गर्मा गर्म बन रही है, और ये अभी उसकी तैयारी हो रही है, और अभी मंचूरियन बनाने की तैयारी, और इधर पास्ता भी खुल गया हमारा, देखिए फटाफट से बन गया। पास्ता डाल लेते हैं पहले चाय के साथ, इसका मज़ा लेंगे।
थोड़ा है मैसी मैसी टाइप का, लेकिन चलो बच्चों ने जो बनाया अपने से ऐसे ही सीख जाएंगे। और यहाँ मनीषा डाल रही है चाय, गर्मा गर्म पास्ते के साथ चाय, इसका तो मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। और खुद ना बनाना पड़े तो दोस्तों बच्चे कुछ भी खिला दे पिला दे, मैं तो खा लेती हूँ। एक आध दिन तो ऐसा भी होना चाहिए कि किचन में ना जाना पड़े। और आज बच्चे लगे हुए हैं, सुबह भी नहीं बना खाना। और ये देखिए ये शिमला मिर्च प्याज फ्राई कर रही है, इसमें डाल देगी सारी सॉस, तीन चार सॉस जो होते हैं इसमें डाल देगी, विनेगर वगैरह। ये रेड चिली सॉस है, वो टोमेटो सॉस था। अभी ये है ग्रीन चिली सॉस। अब विनेगर की बारी। खुशी का तो यही रहता है दोस्तों, एक भी दिन ये रहती है, इसकी छुट्टी कर लेती है जब भी जैसे भी है, तो ये कुछ न कुछ कुकिंग करती है, आराम से बैठती नहीं है। और आज तो थकी हुई थी दोस्तों, फिर भी किचन में आ गई है, वरना तो बाहर से आके तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं होता कुछ करने का। लेकिन बच्चों में एनर्जी भरपूर है, खाने पीने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फिर दोनों बहनें थी, एक चॉप कर रही थी एक बना रही थी, तो दोनों ने मिलजुल के बना लिया, अकेले तो शायद ना भी कर पाती। और ये देखिए देखते ही देखते हमारी ग्रेवी मंचूरियन की तैयार हो गई है, इसमें डाल दिए बॉल और देखिए बनकर तैयार है। और इधर अब रात में चावल की बारी, क्योंकि चाय वगैरह तो खा पी लिया था हमने। और इधर सिमरन का आ गया है वीडियो कॉल, उसने भी हमें ज्वाइन कर रखा है। और दोस्तों मैं तो आराम से लेटी हुई थी, बच्चों ने रात में 9 बजे उठ के चावल बनाए हैं, और सोयाबीन मटर गोभी आलू सब डाल के अच्छे से टेस्टी टेस्टी चावल बनाए हैं। हो तो गया था ज़्यादा ही लेट, लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने भी थोड़े बहुत से खा ही लिए कि चलो भाई बच्चे इतने प्यार से बना रहे हैं तो टेस्ट करना तो बनता ही है। ये मेरी प्लेट लग गई है। और यहाँ देखिए मनीषा खा रही है खाना। तो चलिए दोस्तों खाना पीना सब हो गया है और अब है सोने का टाइम, और दूध गर्म हो गया है, पियेंगे सो जाएंगे। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।